बंदे हरे कृष्णा, बंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमल श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपम सागर जातम सर्वन रघुनाथ तम सजीव सारूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामं गुरुदेवाय धीमते सममूर्ते श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नामयाम विष्णुपादाय राधिकाय श्रीआत्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणेति नामने श्री कृष्ण लीला कथन सुदर्श अवदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम स्तम शिरसा नमामि नामयम विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमात चरित्राय स्वाश्रितानं च पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने हरिभार्षभान विदेवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रमाढ श्री रूपानुग भक्ति श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाभ सिद्धांत दंत हारिणी नमो गौरवीश्वराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबधे पादाम्बुजाय ते नमः नाम भक्ति उन्नदाय सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानु गबराय ते गौरावृभाव मिस्तं निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः जयतां सुरतरुपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादां भजो श्रीराधा मदन मोहन दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमाद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालिभि सेव्यो मान स्मरामि श्रीमान रासर सरंभि बंसी वाट तटस्थित कर्षण वेणु स्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तुन वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरि अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राम हरे राम 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 दावनारा समा संसार दहनी दर्द जीवा कुला उधार कारणी करुणा वारिदा कृपा वारिदारी बंदिश गुरु चरणा समारा नित गीता वाद श्री हरि कीर्तने रहे निजे तृप्त रहे बंद से गुरु शरण कमला श्री राधा माधव नाम रूप गुणी अनंत माधुर्य लीला सादरी लोक सिखजिनी हन प्रतिसरी बंद से गुरु शरण Uh-huh.
श्री कृष्ण जय। जीव जाग जीव जाग जीव जाग जीव जाग 98 I'm
सांझे दिख दो बढ़िया कोई भजन का काली कुकुर काले कुकुर धनय दे जाओ है Thank you.
तुम्हारा हुआ नहीं
भगति हरिया न देखे ओ पाया रक्षा श्रीधर गोस्वामी कहते थे, जब कोई भजन गाओ ना उसको चिंतन भी करो वो भजन में क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहे हैं। कहते हम लोग साधक है, हमारी जो काम क्रोध लोभ मोह हम लोगों को पकड़ करके रखा है, ये भजन में कह रहे हैं हरिये प्रपंच पड़िया अगति हैया ना देखी उपाय आर अगतिर गति चरण शरण तो माय करिनो सार। कहते आपको अनादिकाल से आपको भूल करके हम ये माया संसार में हम पड़े हुए हैं,
अभी हमारी कोई गति नहीं, तुम्हारी सिवाय हमारी कोई गति नहीं। आप कौन हो, ये प्रपंच मतलब माया है, हैं? इसलिए आप कौन बोल अगतिर गति, तो जगत में जिसका कोई गति है ही नहीं, अगर उसको कोई गति मिल सकती है, बा जिसका कोई स्थान नहीं, अगर कोई स्थान मिल सकता तो तुम्हारी चरण है। इसलिए तुम्हारे करिनो सार, उसके बाद में कर्म ज्ञान किच्छु नाहीं मर साधन भजन, कहते मेरा कोई कर्म भी अच्छा नहीं, कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई साधन भजन भी नहीं, उसके बाद में तुम्हें कृपा मय आमित कांगाल आही तो की कृपा चाहे। आप तो बड़े दयालु हो, हैं? आप तो बड़े कृपालु हो, इसलिए अगर आप सोचोगे हमारी अंदर में कुछ गुण देख करके आप कृपा करोगे, हमारे अंदर में कोई भी गुण नहीं है। आपको तो बिना गुण देख करके आही तो की, बिना कारण के हमारी ऊपर में कृपा करना पड़ेगा, हैं? विचारिते आव ही गुण नहीं पाव, अगर विचार करना चाहोगे तो हमारे अंदर कोई भी गुण नहीं। इसलिए कहते वाक्य मनोवेग क्रोध जिह्वा वेग उदर उपस्थ वेग मिलिया ए सब संसार भाषाए तीते छे परमत वेग, कहते जो छह वेग है, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, ये संसार कामना वासना का वेग, ये सब के सब मेरे को बहा करके मेरे को बड़ा दुख कष्ट दे रहे। द्वितीय च परम उद्वेग अनेक जतने से सब दमने छाड़ी अच्छी आशा में, हमने बहुत कोशिश किया इसको दमन, देखो इसमें इतने अच्छे अच्छे भजन है ना। हमारे गुरुदेव कहते थे अगर सचमुच से ये भजन जब गाओ, अगर सोच सोच कर गाओ ना, क्योंकि हमारे अंदर में ये सारी चीज भरा पड़ा हुआ है, सारी चीज हमारे अंदर, लेकिन हम लोग खुद ये चीज को छोड़ नहीं पा रहे, कोई छोड़ पा रहे, कहते क्रोध नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब टाइम आता है ना वो किसी को नहीं देखता है। सोचते हैं हम आज से हम डाइट कंट्रोल करेंगे, खाना आज बढ़िया नहीं खाएंगे, खीर नहीं खाएंगे, रसगुल्ला नहीं, लेकिन जब सामने आ जाता है ना, पहले कल से करूँगा, कल से करूँगा, आज से नहीं कल से करूँगा, इसका मतलब है जीवा बेग उधर पेट का बेग काम का बेग। आप लोग विचार करके देखोगे ना, हम कोई भी चीज हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो ये भजन को मेरे गुरुदेव कहते थे अगर सचमुच भक्ति रखे सिद्धर गोस्वामी महाराज कहते, क्यों ये भजन को हमारी गौड़ी मठ में क्यों गाते हैं, हमारे अंदर में कोई भी हमारे अंदर में गुण नहीं, लेकिन ये अगर भजन को रो रो करके हृदय से अगर ठाकुर जी को प्रार्थना करो ना, हैं, प्रार्थना कर तो धीरे 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 वो सब चीज सही हो जाता है, हैं, कंट्रोल। इसलिए क्या अनेक जतन से सब दमन छाड़ी अच्छी आसाम अनाथ रे नाथ डाकी तब नाम एखन भरसा तुम। देखो हमने बहुत कोशिश किया इसको छोड़ने के लिए, लेकिन कुछ भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। सोचते हैं छोड़ेंगे, लेकिन जो टाइम ही आता है ना वो अपना काम कर लेता है, वो सारी इंद्रियां अपना काम कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं अनेक जतन से सब दमन, हमने कोशिश किया लेकिन दमन करने के लिए, लेकिन छाड़ी अच्छी आशा आमी प्रभु, हमने देखा हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, इसलिए हम आशा हमने छोड़ दिया। इसलिए अनाथ रे नाथ डाकी तब नाम एखन भरसा, आप तो अनाथ का नाथ हो, अनाथ का आप नाथ हो, इसलिए प्रभु आपका चरण अभी हम शरणागत हो रहे हैं, इसलिए आप कृपा करके हमारे ऊपर में कृपा करें। अगर ये भजन को मेरे गुरुदेव कहते थे, कहते भक्त विनोद ठाकुर ने जो भजन गाए, बोले पूरा कीर्तन नहीं मेरे गुरुदेव, बोले एक लाइन अगर आप लोग एक लाइन अगर जीवन में उतार दिया ना, मेरे गुरुदेव कहते थे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक लाइन अगर कोई इसमें एक लाइन को देख करके, गुरुदेव कहते थे हम वेद वेदांत उपनिषद पढ़ करके जो चीज को हम ढूंढ नहीं सकते, निकाल नहीं सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये कीर्तन के माध्यम में सौंप दिया। इसलिए हम लोग सबर जब कीर्तन करते हैं, क्यों कीर्तन करते हैं, ये सबके सब प्रार्थना है, जैसे ना संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, जैसे गोस्वामी लोग संख्या पूर्वक नाम करते थे, संख्या पूर्वक कीर्तन करते थे, क्या संख्या पूर्वक नाम गान कीर्तन करते थे। इसलिए अगर इसको हम रोज रोज कीर्तन करेंगे, इसलिए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे हाँ गाना चाहिए तुमने गा लिया, जिसको फटा उसको ही फटा है, वो कहते थे जिसका फाट लो और फाट लो,
जिसने जार फाट लो और फाट लो, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन है, वैष्णव का विरह में भजन गा रहे हैं, कहते भक्तों का विरह में, हम महाप्रभु का विरह में क्या करेंगे, सर को फोड़ पाषाण में मतलब पत्थर में पीट करके सर को फोड़ दूंगा, भक्तों का विरह में महाप्रभु का विरह में आग में इस शरीर को आग में विसर्जन कर जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, हम तो गाते हैं, हैं तो गाते जाते हैं, लेकिन कहते जार फाट लो तार फाट लो, जिसका फटा तो उसका फटा, लेकिन तुम तो गाना गानी चाहिए, तुमने गा लिया, लेकिन तुम्हारी कुछ हुआ कि नहीं, तुम कुछ सोचा कि नहीं, वो कह रहे कि तुमने कुछ सोचा कि नहीं। इसलिए ये भजन रोज रोज गाने से, हृदय से अगर भगवान को प्रार्थना करेंगे ना, हृदय से हैं, जैसे गोपीनाथ मम निवेदन सुना, इसलिए बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोज ये भजन गाओ, क्योंकि उसमें हमारे हृदय को ना निकाल कर रख दिया है, कैसे हम काम में क्रोध में लोभ में कैसे माया की चक्कर में हम कैसे पड़े हुए, कैसे ये चीज को हम छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन जब हम वैष्णव को चरण में ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करेंगे हृदय से, धीरे 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 ये सब धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए हम रोज रोज भजन गाते, इसलिए जब भजन को गाओ कम से कम सोचो, इसलिए भक्ति रखे श्रीधर गोस्वामी कम से कम थोड़ा सोचो वो क्या गा रहे हैं, ऐसे नहीं गाना चाहिए, एक नियम बनाया उसको गा कर खत्म कर दिया, नहीं, उसको कम से कम सोचो उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर हृदय से सोचोगे फिर तो हृदय से भावना आएगी, फिर हृदय का सारे काम करो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हम कहते ना भैया काम को कैसे कंट्रोल करें, कैसे भजन करें, तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अगर हमें भक्तों का संग मिले हैं, ये काम क्रोध की करी पारे साधक रे, जो काम क्रोध ये क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारी, यदि है साधु जन रे संग, अगर हमें भक्तों का संग होना ये काम क्रोध लोग हमारी कुछ भी नहीं कर सकता है। उदाहरण देते हैं सुनिया सिंघर राव, जैसे शेर का दहाड़ सुन करके बड़े बड़े हाथी हैं, हाथी कितना बड़ा और शेर कितना बड़ा, देखो हाथी कितना बड़ा, लेकिन शेर जब दहाड़ मारता है ना हाथी भाग जाता है इसका दहाड़ सुन करके, वो टिकता नहीं, कहते उसी तरह जो काम क्रोध तो बहुत बड़े हैं, लेकिन जब भगवान की दहाड़ भक्ति की प्रेम की दहाड़ सुनता है ये काम क्रोध से बड़े बड़े हाथिया सब भाग जाते हैं, सबके सब भाग जाते हैं। इसलिए कि कर पारे साधक ये क्या कर सकते हैं, यदि है साधु जनरे संग, अगर जीवन में भक्तों का अगर संग हो तो ये हमारे क्या कर सकता है। इसलिए इसको गाते समय थोड़ी सी सोच सोच कर गानी चाहिए, उसमें ज्यादा लाभ है। और गाते समय हमारी प्रार्थना, गुरुदेव कहते थे ये सब कीर्तन कौन कर रहे हैं, कहते अगर हम डायरेक्ट ठाकुर जी को प्रार्थना करते हैं ना, ठाकुर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, ठाकुर किसका प्रार्थना सुनते हैं, बोले सड़ंग शरणागति है वे जहार ताहर प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, ठाकुर जी उनकी प्रार्थना सुनते हैं जिनके अंदर में ये छह तरह का शरणागति आ गया, हमारे अंदर में तो कोई भी शरणागति नहीं, तो ठाकुर कैसे सुनेंगे। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब कोई भजन गाओ, जैसे अभी ये भजन को कौन गा रहे हैं, भक्ति मनोहर ठाकुर, लेकिन ये ट्रांसलेशन, ये जो उपदेशामृत का ये ट्रांसलेशन है, हाँ जैसे पहला जो श्लोक बाच बेगम मनस क्रोध बेगम, उसका ये ट्रांसलेशन भक्ति मनोहर ठाकुर ने बंगला कीर्तन का माध्यम से किया है। तो मूल रूप में कौन गा रहे हैं, इसको भक्ति मनोहर ठाकुर गा रहे हैं। नियम है गाते समय ये भाव रखनी चाहिए, इसको भक्ति मनोहर ठाकुर ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उनको पीछे 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 केवल हम रिपीटेशन कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं इसको, लेकिन गा रहे हैं कौन, भक्ति मनोहर ठाकुर रूप गोस्वामी, इनकी बात तो ठाकुर जी इनकी बात तो सुनेंगे, लेकिन हमारी बात को ठाकुर जी नहीं सुनेंगे। इसलिए गाते समय ये भावना रखो है ठाकुर। इसलिए एक समय क्या हुआ, सब जैसे यहाँ पर भक्त सब एक ही गाते हैं ना, कोई एक व्यक्ति को गाने के लिए मिला नहीं तो बिगड़ गया, सब गाए और मेरे को गाते समय मेरे को ही गाने नहीं दिया और सब एक एक कर गाए और हमको नहीं दिया, तब हमारे कोई एक वैष्णव बोल रहे थे तो अच्छी बात है, क्योंकि हम गाते समय हम नहीं गा रहे, कौन गा रहे इसको, भक्ति मनोहर ठाकुर गा रहे, नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे और श्री लोचन दास ठाकुर गा रहे, हम थोड़ी गा रहे, हमारा प्रार्थना थोड़ी ठाकुर सुनेंगे, ये तो अच्छी बात है, सब वैष्णव बोले तुम बुला नहीं, अच्छी बात है ना, क्योंकि एक तो गा रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर,
उसको पीछे और कोई वैष्णव गा रहे और तुम उनको पीछे पीछे गा रहे, मतलब क्या? दो वैष्णव का अनुगत्य में तुम्हारा गाना हो गया ना, दो वैष्णव का अनुगत्य में तुम गाए, लाभ तो तुम्हारी डबल हुआ है, लाभ तो तुम्हारी डबल हुआ है। और तुम्हारी प्रार्थना क्या, भजन करने से गला की बहादुर दिखा दिया, बढ़िया एकदम गला की बहादुर दिखा के ठाकुर सुन लेंगे तुम्हारी कथा को, नहीं सुनेंगे तुम्हारी प्रार्थना को। प्रार्थना तो सुनेंगे सड़क पर शरणागति आई बेजार, जिसको क्षेत्र का शरणागति उसका प्रार्थना सुनते हैं, उसकी प्रार्थना ठाकुर जी सुनते, तुम्हारी प्रार्थना एक श्रेष्ठ वैष्णव बोल रहे थे। अच्छा हुआ ना ये वैष्णव को पीछे पीछे गाए, क्योंकि वो गा रहे ठाकुर का चरण में प्रार्थना कर रहे, उनको पीछे पीछे हम ठाकुर जी को प्रार्थना कर रहे। यहाँ गला का बहादुर नहीं दिखाना, वो वैष्णव कह रहे थे ये गला की बहादुर नहीं दिखाना, यहाँ तो ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना कर रहे। इसलिए ऐसे भाव रख करके क्या करनी चाहिए, हमें ये भजन को बोलनी चाहिए, ठीक है ना। गाओ राधे जय 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 राधे जय जय माधव दरिते
ओम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रज देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तरिषद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रभुष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तरिषद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री परीक्षित महाराज ने चार जगह पर उन्होंने कलि को स्थान दिया, मतलब जो कलियुग में भगवान को भक्ति करना चाहते हैं उनको चार नियम को पालन करनी चाहिए। पहला नंबर, जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ खेलने से धर्म का पहला चरण क्या है बोलो? जुआ खेलने से क्या खत्म होता है? सत्य खत्म होता है, इसलिए पहला चरण ये खत्म हो जाए। पानम नस्ली वस्तु लेने से धर्म का कौन चरण खत्म होता है? तपस्या खत्म हो जाता है, क्योंकि बुद्धि जब स्थिर रहेगा तभी भजन कर सकते हैं। अगर शराब पी करके गंजा फूंक करके और चिलम फूंक करके अगर मस्त रहेंगे उसमें भगवत स्मरण नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ लोगों का भ्रम है, अरे इसको पीने से ना एकदम सीधा भगवान दिखते हैं, हाँ? इसलिए ये भ्रम है। दुतम पानम स्त्रियम बोले अवैध अवैध स्त्री संगों से क्या खत्म होता है? पवित्रता नष्ट हो जाती है, और जीव हिंसा से दया। इसलिए उन्होंने चार स्थान पर जब स्थान दे दिया लेकिन तब भी कलियुग प्रसन्न नहीं हुआ, बोला मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं, कौन ये सब गंदा काम कर रहे हैं, मेरे को ऐसे एक स्थान दो जहाँ पर सारी चीज मिलता है। उनने कहाँ पर स्थान दे दिया? सोने में। क्यों दिया? उसने क्या दोष है बता? पांच दोष है, क्या क्या दोष है? हाँ, इसलिए कहते ये धर्म में ये पांच दोष है ये धर्म में, इसलिए उन्होंने धर्म में ही कलि को स्थान दिया। लेकिन अगर कोई धन को स्वयं भोक्ता नहीं मान करके धन को अगर ठाकुर जी सेवा के लिए कमाए तो वो धन की सार्थकता है, नहीं तो वो धन क्या करता है, फिर तो ये नरक का मार्ग खाली कर देता है। फिर से सारे गंदे काम में ये धन हमें ये धन लगा देते हैं। इसलिए लक्ष्मी की दो बाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़। अगर अपना भोग के लिए बुलाओ तो उल्लू को ऊपर बैठ कर गाएगा और हमें उल्लू की पट्टा बनाएगा, उल्लू मूर्ख बनाएगा,
लेकिन जब उनको ठाकुर जी की सेवा के लिए बुलाओ, फिर वो गौरों को पेट भर बैठ करके आएगी, फिर हमारा घर को गोलक वृंदावन बना देती है। इसलिए गत कल हम लोगों ने ये सब कथा हमको सुना था, हैं कथा हमको उन्होंने सुना था। आज हम लोग श्रवण करेंगे कैसे एक दिन परीक्षित महाराज, उनने कुछ अपशकुन उन्होंने देखा है, उनको ऐसे लगा जैसे मेरे देश में कुछ अनहोनी हो रही है। इसलिए अनहोनी कल हम लोग ने सुना था, लेकिन एक दिन कल को जब स्थान दे दिया, एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले। जब भ्रमण करने के लिए निकले, उनने भ्रमण करते 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 आज परीक्षित महाराज को ऐसे तृष्णा लगी, कभी जिंदगी में ऐसे तृष्णा कभी लगी नहीं। तो वो पानी ढूंढ रहे थे, पानी ढूंढते ढूंढते उन्हें श्री समीक मुनि के आश्रम पर पहुंचे। जब पहुंचे उसी समय ऋषि भजन में बैठे हुए थे, सचमुच से ठाकुर जी की भक्ति कर रहे थे, भजन कर रहे थे और ऐसे ध्यान में बैठे हुए थे। तो इन्होंने परीक्षित महाराज को ऐसे लगा, ऐसे नहीं मेरे को देख करके हाथ तो बंद नहीं कर दिए उन्होंने, हैं आकर तो बंद नहीं कर दिए। इसलिए उन्होंने उनको पानी मांगे, उन्होंने पानी 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 चिल्ला चिल्ला तो गला फट गया, लेकिन उनका ध्यान नहीं छूटा, क्योंकि सचमुच से वो भजन में एकदम कितना आसन प्रणायाम ध्यान धारणा समाधि, सचमुच से वो समाधि में भगवत चिंतन में वो बैठे हुए थे। अब इतने में श्री परीक्षित महाराज ने सोचा ऐसे नहीं मेरे को देख कर तो आंख बंद नहीं कर दिया, और देश का राजा मैं हूँ और थोड़ी सी ऋषि का आश्रम में सिर्फ पानी मांगने के लिए आया तो ये आंख बंद करके बैठ गए। परीक्षित महाराज ने देखा पास में एक सर्प पड़ा हुआ, उन्होंने अपना धनुष से उठाया और उनके गले में पहना दिया। इसलिए कोई कोई वैष्णव लोग इसमें कहते हैं भैया ये इसको ऋषि का आश्रम पर ये सांप मरा हुआ पड़ा, क्या ये सांप मारने वाला साधु थे, इनके आश्रम में ये सांप कहाँ से आ गया, क्या ये बाबा सांप मारने वाले साधु थे, कोई सांप को मारा होगा तब तो पास में पड़ा हुआ था सांप, फिर ये कौन है। तो इसका कोई कोई वैष्णव लोग कहते हैं बोले जिस समय में जो खंडव वन को दहन हुई और अग्नि ने हैं, क्योंकि ऋषियों ने बहुत दिन तक उन्होंने यज्ञ किया था, यज्ञ में घी डालते हैं, अगर ज्यादा घी पिएगे तो क्या होगा, पेट में बदहजम हो जाता है, इसलिए अग्नि की बदहजमी हो गई थी, घी पी पी करके बदहजमी हो गई थी। जैसे अगर हमारे पेट में बदहजमी हो जाए फिर डॉक्टर के पास में जाओ वो क्या कहते, पतली पतली खिचड़ी खाओ, हाँ हरी हरी सब्जी बिना तेल के खाओ फिर तुम्हारे पेट सही हो जाएगा। इसलिए अभी अग्नि को बोले कैसे इनके पेट का बदहजमी कैसे खत्म होगा, बोले अगर कोई हरी हरी चीज अगर तुम खाओगे बगैर तेल के हरी हरी चीज खाओगे तो तुम्हारी बदहजमी सही हो जाएगी। इसलिए जो खांडव वन था कहते ये था इंद्र का, ये इंद्र का अधीन में था, लेकिन जब जब ये अग्नि आग लगती थी जंगल को, इतने में इंद्र क्या करता था बारिश करके उसको बुझा देता था और जितने पशु पक्षी वहां से भाग जाते थे। इसलिए अग्नि ने क्या किया, अर्जुन का शरणापन्न हुआ, बोले ऐसे ऐसे ये जंगल को मैं जलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पेट में बदहजमी हो गई, हरी चीज खाना चाहता हूँ, लेकिन सबके सब जानवर भाग जाते हैं, इंद्र बारिश कर देता है फिर बुझा देता है, इसलिए तुम मेरे को कुछ मदद करो फिर मैं तुमको कुछ दूंगा। इसलिए उन्होंने बोले कोई बात नहीं, अर्जुन ने आग लगी तो जितने जानवर जाते थे ना अर्जुन बाण मार मार करके सबको उसमें गिरा देता था और सबको उन्होंने मार डाले, और इंद्र जो बारिश करता था वो ऐसे बाण मारता था ऊपर ऊपर में पानी को सुखा देता था, उन्होंने पूरा उन्होंने जंगल को उन्होंने खा लिया तो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होकर के उन्होंने ये जो गांडीव किसी ने दिया है, ये अग्निदेव ने अर्जुन को ये गांडीव अस्त्र दिया उनको और अक्षय त्रिणी उनको प्रदान किया था। इसलिए उसमें ये तक्षक जो था उसका परिवार तो खत्म हो गए, तक्षक वहां से भाग गया। इस तरह से जब भाग गया और उसको अर्जुन को बड़ा क्रोध था, इसका मैं प्रतिशोध लूंगा, लेकिन अर्जुन तो कृष्ण भक्त था, जो भगवान की भक्ति करते भजन करते हैं उनको ऊपर में ये सब कुछ अपना कुछ प्रभुत्व नहीं कर सकते हैं, कोशिश किया अर्जुन को लेकिन उसको ऊपर में भी कुछ नहीं कर पाए, और उन्हें तक्षक बन करके एक समय कर्ण ने बाण मारा था ना
वो तक्षक बाण जो था वो पूरा के पूरा अर्जुन को निगलना चाहता था, लेकिन हनुमान ने क्या किया, रथ को पूरा नीचे दबा दिया और ऊपर से केवल झंडा को खा करके तक्षक चला गया। बहुत कोशिश किया था अर्जुन को ऊपर में प्रतिशोध लेने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। बाद में उनका बेटा हुआ अभिमन्यु हुआ, वो भी कम पराक्रमी नहीं था, वो भी पराक्रमी था। अब उनका बेटा हुआ कौन, कहते श्री परीक्षित महाराज हुआ। वो सुजग ढूंढ रहा था कैसे इनका प्रतिशोध लो, इसलिए वैष्णव लोग है, इसलिए वहां पर सर्प है वो जान बुझ करके मरा जैसे पड़ा हुआ था। और परीक्षित महाराज ने उस सर्प को क्या किया, ऋषि की गला में उन्होंने पहना दिया। जब पहना दिया, पहना करके जब जा रहे थे ना, उनका बेटा था, बेटे का नाम क्या था, श्रृंगी। इतने में श्रृंगी ऋषि अंदर में आ रहे थे तो उन्होंने देखा उनको पिताजी गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ। उसको देख करके बोले ये राजा लोग प्यारा का जुती अभी सर पर बैठ चढ़ना चाहते हैं, ये राजा लोग क्या समझते ऋषि मुनियों को। तो उन्होंने कौशिक नदी के उन्होंने पानी लिया, पानी ले करके मंत्र पुत्र करते हुए बोले जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। और अभिशाप दे करके ना वो तो रोना शुरू कर दिया। जब रोना शुरू कर दिया, इतने में जो श्रमिक ऋषि जो भजन कर रहे थे उनकी आँख खुली गई। हाँ, तब यहाँ पर टीकाकार लोग कहते हैं अभी तक परीक्षित महाराज ने इतने चिल्लाते चिल्लाते गला फट गया, तभी इनके आँख खुली नहीं। और अपना जब बेटा आकर के थोड़ी सी रो लिया, बस उनकी आँख खुल गई। क्या परीक्षित महाराज कोई दूसरे थे और ये अपना बेटा था इसलिए इनकी आँख खुल गई क्या, इसलिए कहते ऐसे नहीं। इसमें दो कारण बताया, कितना कारण बताया, दो कारण क्या है, कहते पहला कारण है ये परीक्षित महाराज कौन थे, कहते कृष्ण भक्त है, परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त थे। इसलिए अगर कोई कृष्ण भक्त घर में आए और उनको आदर नहीं मिला, इन्होंने पानी केवल मांगी लेकिन उनको पानी तक भी उनको नहीं मिला है, नहीं मिला, तो एक तरह से इनकी परीक्षित महाराज के चरण में अनादर हो गया, अपराध हो गया। इसलिए वैष्णव अपराध कितने तरह से होता है, कितना, छह तरह से। क्या किया, हंती वैष्णव को अगर कोई मार डाले, निंदंती अगर वैष्णव कोई निंदा करे, वैष्णवा नाम जो अभिनिंदंती कोई वैष्णव आए उनका आदर नहीं किया, जाति न हर्ष उनको देख करके प्रसन्न नहीं हुए हैं, और दृष्टि अगर वैष्णव का कोई विद्वेष करे, कहते ये जो छह तरह से वैष्णव अपराध, छह तरह से हंती निंदंती वैदृष्टि वैष्णव नाम जो अभिनिंदंती क्रुद्धते, जो वैष्णव को देख करके जो क्रोध करते हैं, कहते ये छह व्यक्तियों का पतन होता है। यहाँ पर क्या हुआ, वैष्णव को देखकर अभिनिंदंती इनको अभिनंदन नहीं किया। अभिनंदन अगर किसी वैष्णव के चरण में अपराध हो जाए, इसका फल क्या है, इसका फल क्या, भक्ति से चुत होना पड़ता है, हैं? भक्ति लता सूख जाती है और जड़ समेत, महाप्रभु कहते ना ये अपराध रूपी हाथी अंदर में घुस करके लता के पेट उसका जड़ समेत उखाड़ करके फेंक देते हैं, हैं? इसलिए मान इनके वैष्णव चरण में अपराध हो गया, अपराध हो गया तो ये जो भजन कर रहे थे इनका भजन टूट गया, ये एक कारण। दूसरा कारण क्या है, इनका दूसरा कारण क्या है, भागवत दूसरा कारण है। दूसरा कारण बताए, अभी अगर इनकी नेत्र नहीं खुलेगा, जोग माया ने की आग खोल दी, क्यों, अभी परीक्षित महाराज को अवलंबन करते हुए ये भागवत ग्रंथ अभी प्रकट होना। सुमित तुम भी काफी पेन ले आना, तुम्हारी बीवी भी लेकर के आई, ये तुम भी ले आना, इतना दिन हो गया कुछ तो सीखो, खाली दिमाग मत रखा करो, तुम मत समझो अर्थ हम घर में रहते ही नहीं, इसको अक्सर कर गृहस्थ भक्ति प्रचार करते हैं, इसलिए काबिल कम से कम इतना दिन सुन रहे हो, कम से कम सीखो। इसलिए उन्होंने दूसरा कारण है, अभी परीक्षित महाराज को अवलंबन करते हुए अभी ये भागवत ग्रंथ प्रकट होने वाले हैं। अब अगर भागवत ग्रंथ प्रकट हुआ कैसे, पहले ऋषि लोग जब भजन में बैठते थे ऐसे नहीं, हमारे जैसे एक मिनट भी मन नहीं लगता है, माला ले तो इधर उधर मन भटकता है,
पहले ऐसे नहीं, जब उनकी समाधि लगती ना, महीना महीना तक उनकी समाधि लग जाती थी। इसलिए जोग माया ने देखा अगर इनकी समाधि ऐसे लगी रही तो अभी तो परीक्षित महाराज को पता ही नहीं इनका विषय है, इसलिए उनको पास में खबर पहुंचेगा, फिर उन्हें सब छोड़ करके प्राय व्यसन करेंगे, सब 88,000 ऋषि लोग आएंगे, उनको ये प्रश्न करेंगे, प्रश्न करेंगे तो फिर ये भागवत कथा इनको माध्यम से प्रकट होने वाले। अगर इनकी ऐसे ध्यान लगी रही तो फिर ये भागवत ग्रंथ कैसे प्रकट होगा, इसलिए इनको माध्यम से भागवत ग्रंथ प्रकट होगी। इसलिए जोग माया ने किया कि इनका नेत्र को खोल दी, जो खोल दी सामने देखा बेटे को रोते हुए, बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे, बोले ऐसे ऐसे सारी बात वो बता दी। जब उन्होंने सुना हमारे आश्रम में परीक्षित महाराज आए थे, बोले परीक्षित महाराज आए थे, बोले हाँ, बोले अहो भाग्य है, वो तो परम कृष्ण भक्त हैं और उनकी कृपा से ही परीक्षित महाराज वैष्णव भक्त हैं, इसलिए उनके आशीर्वाद से हम लोग निश्चिंत होकर के साधु लोग जंगल में भजन कर रहे हैं, इनका आशीर्वाद से, क्योंकि परम कृष्ण भक्त है। बोले मैं तो उनको अभिशाप दे दिया, क्योंकि आपका गला में उन्होंने मरा हुआ सर्प को डाल दिए, इसलिए मैंने अभिशाप उनको दे दिया। इसको सुन करके तो ऋषि को तो बड़ा क्रोध आया, बोले नालायक, उनको पानी तक भी हमने नहीं दे पाए, पानी मांगने के लिए आए थे कृष्ण भक्त, पानी तक तो दे ही नहीं पाए, बल्कि तुमने उल्टा उनको अभिशाप दे दिया। सप्तम दिवस में तक्षक दर्द नहीं करेगा, इसलिए कोई कोई कहते हैं यहीं पर ही कभी श्रृंगे ऋषि स्वामी के ऋषि ने अभिशाप दिया। पहले ब्राह्मण लोग जो बोलते थे ना, उनको मुंह में अग्नि स्वयं निवास करता था, जो बोलते थे वही हो जाता था, जो बोलते थे, एक तो तपस्वी होते थे, भजन करते थे, भजन की शक्ति होती थी, लेकिन कहते उस दिन स्वामी के ऋषि ने अभिशाप, बोले मैं भी ये ब्राह्मण समाज को अभिशाप देता हूँ, इनका जो बाप शक्ति खत्म हो जाए, इसको ये दुष्प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं ये ब्राह्मण का बाप शक्ति खत्म होगी, वाणी में कोई शक्ति नहीं, अब भजन करने पर तो शक्ति आएगी ना, भजन के बगैर शक्ति कहाँ से आएगी। बोले कम से भैया परीक्षित महाराज को तो खबर पहुंचा है, खबर तो पहुंचाओ, कम से कम 7 दिन उनको पास में है, 7 दिन में तू तो कुछ कर ले। इसलिए एक गौरमुख नाम का एक ब्राह्मण बालक था, तो उन्होंने उनको भेज करके श्री परीक्षित महाराज को उन्होंने खबर पहुंचाया है। बालक का नाम क्या था? गौरमुख, गौरमुख ब्राह्मण। परीक्षित महाराज जब ये काम करके गए ना, गौरमुख जब उन्होंने गए, वो सुखी नहीं थे, दुखी थे, क्योंकि वो सोच रहे हैं मैंने जो काम किया है अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं अर्जुन का वंशधर हूं, है अभिमन्यु का वंशधर जो कृष्ण भक्त है, हमारे वंश में ऐसे कोई कलंक व्यक्ति नहीं हुए, हर समय हमारा वंश में संतों को वैष्णव का आदर करते अभी आए, मैं ऐसे एक व्यक्ति बना केवल तृष्णा की चक्कर में आकर के एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प मैंने कैसे डाल दिया। बड़े वो दुखी हुए, सुखी नहीं हुए, इसलिए वो सोच रहे हैं अगर हमने कोई हमसे कोई गलती काम हो गई, अगर उसका प्रायश्चित अगर हो जाए, बा उसका कोई दंड मिल जाए ना, वो पाप फिर खत्म हो जाता है, अगर उसको कोई दंड नहीं मिले पाप कर्म करके, फिर तुमको भोगना पड़ेगा, डबल फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए वो सोच रहे थे इसका कोई प्रायश्चित होनी चाहिए, सोच रहे थे। इतने में वो बालक जब आकर के बोला आपको उनका बेटा श्रृंगे ऋषि ने अभिशाप दिया है, सप्तम दिवस में आपको तक्षक दर्शन करेगा, वो दुखी नहीं, वो प्रसन्न हो गए, बोले यही होना था, कम से कम मेरे को क्या होगा है, कहते लोग मरने से 1 सेकंड पहले लोगों को पता नहीं चलता अभी मैं मरने वाला हूँ, और ठाकुर जी को देखा कितना बड़ी कृपा है, ठाकुर हमें 7 दिन पहले हमें सूचित कर दिया तुम 7 दिन में मरने वाला हो, इसलिए मैं क्या करूंगा अभी 7 दिन तक भगवान की कथाओं को श्रवण करते करते मैं अपना जीवन बिताऊ। तो यहाँ पर कह रहे हैं टीकाकार लोग कहते परीक्षित महाराज के अंदर इतने शक्ति था कि जो अभिशाप है ना उसको दूर कर सकते थे, क्योंकि जो तक्षक मारने वाला था अगर वो सांप सर्प यज्ञ होता है ना, सांप को विनाश करने वाले उनका जो बेटा जन्म ही जाए, उन्होंने ये यज्ञ किया था, तक्षक ने मेरे पिता को ये किया, सारे सांप को मार डालूंगा, उन्होंने ऐसे यज्ञ करवाया ना, सारे सांप आकर के सब यज्ञ में गिरने लगे,
और इतने में जो तक्षकता था जाकर के इंद्र का शरण में चला गया और उसने इंद्र का जो सिंहासन में लपट गया उनको उसका आश्रय किया। सबके आ रहे थे लेकिन तक्षक नहीं आ रहा था। बोले ऋषि को बोले तक्षक अभी तो क्यों नहीं आ रहा है, उसको नाम पर आहुति दो। इतने में इंद्र का सिंहासन समेत उठते हुए आने लगे। फिर आकर के उनको हैं, फिर ब्रह्मा जी इनको समझाए, फिर जाकर के शांत हो गए। इसलिए कहते वो सर्प मारने का यज्ञ प्रारंभ कर सकते थे हैं, नहीं तो मृत्युंजय का पाद कर सकते थे, मृत्यु को जो जीत सकते हैं, लेकिन कोई तपस्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया, उन्होंने देखा ये ठाकुर जी की आशीर्वाद है, ठाकुर जी मेरे को कृपा करके सात सात दिन पहले, क्योंकि जो विषय को छोड़ना इतने आसानी नहीं, कब से कब मेरे पास में सात दिन तक है, सात दिन तक तो मैं ठाकुर जी की भजन कथा सुनते सुनते अपना जीवन को मैं बिता सकता हूँ। इसलिए उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं किया, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा को उन्होंने माना है, उन्होंने ठाकुर जी की कृपा। इसलिए ये स्टोरी यहीं पर तुम लोग सुनाना, कौन सा राजा का जो स्टोरी है, जो संत आकर कहते हैं बोले महाराज आपको आप सात दिन में मरने वालों, ये स्टोरी गुरुदेव यही सुनाते थे। गुरुदेव से हमने यहाँ पर यहीं पर नोट कर लो, यहीं पर ये स्टोरी को कहते केवल परिकृत महाराज के पास में सात दिन था, ये नहीं, हम सबको पास में भी सात ही दिन है, हमारे पास में आठ दिन नहीं। उनको तो ये भी पता था सात दिन से पहले मैं मरने वाला नहीं, लेकिन हमें यह भी पता नहीं कब हमारे काल हमें आकर के ग्रास करेगा। यही पर ये स्टोरी को सुनाना। इसलिए यहाँ पर जब परीक्षित महाराज ने सुना मेरे को ऋषि ने अभिशाप दिया, प्रसन्न होकर के अपना जो छोटा बेटा था ना, उन्होंने अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन पर उन्होंने अभिषेक कर दिया, मंत्री को पर सब कुछ दायित्व दे दिया, दे करके उन्होंने सब कुछ छोड़ करके आए। यहाँ पर कहते हैं कहती ये जो लोग है, लोग ऐसे की चीज कहते ना, कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम उत्तम यदि लभ्यते तत्र मूल्य मेकलम कुटी सुकृति रत्न लभ्यते। इनकी लोभ था इसलिए उन्होंने क्या किया, कहते लोभ ऐसे की चीज है, जो लोभ है कृष्ण कथा की, कृष्ण भजन की, जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी राज्य को कृष्ण भक्ति लोभ हुई, तभी उन्हें 10,000 स्वर्ण मुद्रा उन्होंने रिश्वत दिया, दे करके भजन के लिए आए हैं, भजन के लिए आए। इसलिए परीक्षित महाराज के हृदय में जब लोभ आया, उन्होंने क्या किया, लोभ के सामने सब कुछ फीका हो जाती, मैंने लोभ है, लोभ हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्हें राज सिंहासन को उन्होंने परित्याग दिया है, परित्याग दे करके कहां पर आए, गंगा किनारा में उन्होंने आश्रय लिया। तब यहां पर कह रहे हैं, यहां पर इसलिए श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं मोबाइल का इतना तेज नहीं रखनी चाहिए, मोबाइल उतना तेज रखो जितना तुम सुन सकते हो, दूसरे नहीं सुन सकते। इसलिए मैं हर समय मोबाइल साइलेंट रखता हूँ, क्योंकि आवाज होता है ना मेरे को पता चल जाती है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं इन्हें अभिशाप को उन्होंने स्वीकार किया है, उन्होंने अभिशाप को त्याग नहीं दिया। यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया है, उन्होंने कैसे क्यों उन्होंने अभिशाप को निग्लेक्ट क्यों नहीं किया, उन्होंने ग्रहण क्यों किया। यहाँ पर एक उदाहरण देकर कहते हैं जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में कीर्तन कर रहे थे, कहाँ पर श्रीवास घर में कीर्तन कर रहे थे, एक ब्राह्मण भी आया कीर्तन को सुनने के लिए, लेकिन महाप्रभु जब कीर्तन करते थे बाहर व्यक्तियों को उन्होंने अंदर में प्रवेश करने नहीं देते थे हैं, बहिर्मुखों को प्रवेश नहीं देते थे। वो ब्राह्मण चाह रहा था मैं अंदर में प्रवेश करूं, लेकिन उन्होंने प्रवेश करने नहीं दिया। ब्राह्मण को क्रोध आया, उठा अपना जन्हे लिया और जन्हे को लेकर के उन्होंने अभिशाप दिया, बोले मेरे को ये कीर्तन रस में प्रवेश करने नहीं दिया, जन्हे को तोड़ करके उन्होंने अभिशाप दिया, बोले तुम्हारी संसार नाश हो जाए, संसार तुम्हारी नाश हो जाए। महाप्रभु बड़े खुश हो गए, बोले भैया इस संसार को नाश करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कितने कठोर तपस्या करते हैं तभी संसार नाश नहीं होता है, लेकिन अगर ब्राह्मण ने हमें अभिशाप दिया संसार नाश हो जाए, कितने भाग्य हमारी है, मैं तो यही तो चाहता हूँ संसार हमारे नाश हो और प्रभु के चरण में हमारी
फिर जी हो आप तो यही चाहते हैं। महाप्रभु प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर अभिशाप को उन्होंने ग्रहण किया। अब ग्रहण करते हुए उन्होंने क्या किया, संन्यास ग्रहण करते हुए उन्होंने काटुआ में संन्यास लिया और जगन्नाथपुरी में जाकर के दिन रात हा कृष्ण कहाँ जाओ कहाँ पाओ ब्रजेंद्र नंदन दिन रात कृष्ण प्रेम में रोते थे। जैसे श्री यहाँ पर उदाहरण देते हैं विश्वनाथ के ठाकुर, ऐसे ही परिकृति महाराज ने इसको आशीर्वाद समझे, ऋषि का उन्होंने आशीर्वाद समझे। तो विश्वनाथ के ठाकुर यहाँ पर कहते हैं ऋषि हमारे परिकृति महाराज सोच रहे थे मैं एक बार जाऊं और श्रमिक ऋषि से मैं क्षमा प्रार्थना मांग कर कहा नहीं मेरे से गलती होगी माफ कर दो, लेकिन उन्होंने गए नहीं। बोले क्यों नहीं गए, बोले इसलिए नहीं गए अगर उनको पास में जाएंगे उनको पता चला उन्होंने अपना बच्चों को भी शासन किया है, इसलिए अगर जाएंगे तो वो लज्जित होएंगे, वो लज्जित होएंगे, इसलिए मेरे बेटा ने आपको अभिशाप दे दिया, इसलिए वो लज्जित होएंगे, इसलिए उन्होंने दोबारा उन्होंने नहीं गए। लेकिन सिर्फ परिकृति महाराज उन्होंने आश्रय कहाँ पर लिया, कहाँ पर आश्रय लिया, गंगा के किनारे, गंगा किनारे यहाँ पर है ना सुक्ताल है ना, यहीं पर उन्होंने गए ना, हम गए थे ना एक बार, तुम लोग गए नहीं, हम लोग एक बार पूरा बस लेकर यहाँ से गए थे सुक्ताल गए थे, जिससे बैठे वृक्षों के नीचे उन्होंने सुनाए कहते वो वृक्षों को में कहीं ना कहीं तोता दिखती है और वृक्षों के ऊपर में, इसलिए वहाँ पर बड़ा सुंदर बटवृक्ष विशाल बटवृक्ष वहाँ पर है, बड़ा मनोरम स्थान है जहाँ पर उन्होंने सुनाए, इसलिए उन्होंने गंगा किनारा में उन्होंने आश्रय गंगा किनारा लिया। बोले गंगा किनारा क्यों लिया, बोले जो गंगा है ये भगवान की चरणामृत और भगवान की चरणामृत मतलब भगवान से अभिन्न है, मानव ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। इसलिए तब यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर वहां बहुत सारे उदाहरण देते हैं, कहते कैसे उन्होंने महाप्रभु कैसे बड़े दूर तक हरि नाम नहीं सुने, लेकिन जब एक जगह पर गए बोले हरि बोल महाप्रभु, बोले अभी तक तो इतना दूर तक किसका मुंह में हरि का नाम ही नहीं सुना और यहाँ पर हरि बोल कहाँ से आ रहा है, पतला चला पास में ये गंगा बह रही है, इसलिए यहाँ पर कहते बोले प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल, कहते गंगा पानी कैसे, बोले प्रेम रस स्वरूप, कहते प्रेम रस स्वरूप ये गंगा की जल है, शिव जे तुम्हार तत्व जाने न सक, इसका महिमा कौन जानते हैं, शंकर जी, इसलिए शंकर जी गंगा की जो स्तुति है ये शंकर जी गंगा की स्तुति है, और यहाँ पर उन्होंने अपना चट्टा में इसलिए शंकर जी धारणा करके रखे, बोले सत्कृति तुम्हारा नाम करी ले श्रवण, एक बार अगर कोई गंगा जी का नाम को श्रवण करते हैं बोले तार विष्णु भक्ति है की पुनः भक्षण, बोले एक बार केवल नाम सुनते ही उसको क्या होता है भगवान की भक्ति प्राप्त होता है, अगर उसको कोई आचमन करे उसका महिमा हम क्या बता सकते हैं, बोले तुम्हार प्रसाद से कृष्ण हे नना स्फुराए जीवेरे मुखे इथे नहिया, बोले तुम्हारी कृपा से ही कृष्ण का जो नाम है किसके जीवा पर स्फुरण होता है, इसलिए फुराए जीवर इथे ना नहियान, बोले कीट पक्षी श्रीगाल कुकुर जब भी है, अगर कीड़े मकोड़े श्रीगाल कुत्ते भी अगर हो तथापि तुम्हारे यदि निकट बस है वो भी अगर तुम्हारे निकट में निवास करते हैं उनको भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, ये गंगा की कितने महिमा, इसलिए महाप्रभु ने क्या किया उन्होंने कहाँ पर आश्रय लिया, इन्होंने श्री गंगा किनारा मतलब ठाकुर जी के चरण की उन्होंने आश्रय ग्रहण किया, ठाकुर जी चरण ठाकुर जी का नाम और भागवत को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया है, इसलिए इनकी क्या इच्छा है, इनकी केवल एक इच्छा है भगवत कथा हमें श्रवण करने को मिले। जब उन्होंने वहां पर बैठे, पहले तो टेलीग्राफ नहीं था टेलीफोन नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान होते थे, दिव्य ज्ञान, वो सारे ऋषि मुनि अपना दिव्य ज्ञान से उनको पता चले गया और यहाँ पर श्री परिकृत महाराज प्राय विवश ने किया, प्राय विवश का मतलब जब तक मृत्यु नहीं आ जाए तब तक पानी तक भी नहीं पिएंगे, इसलिए सारे ऋषियों का अपने आप पता चला और वहां पर 88,000 ऋषियों का एकत्रित हुआ, 88,000 ऋषि वहां पर एकत्रित वहां पर हुए और परिकृत महाराज देख करके बोले ये तो मेरे ऊपर अभिशाप नहीं लगता है भगवान का आशीर्वाद है, जीवन में एक साधु दर्शन कितने भाग्य से होता है और यहाँ पर 88,000 ऋषि, तब यहाँ विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं क्या ये परिकृत महाराज का सौभाग्य ना ऋषियों का सौभाग्य है,
कहती है ऋषियों का सौभाग्य, क्योंकि कहते जो परीक्षित महाराज है, कहते ऋषियों को जितने सौभाग्य प्राप्त हुआ ना, उससे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त ये परीक्षित महाराज को है, क्योंकि उन्होंने मातृगर्भ में कृष्ण दर्शन किया, कृष्ण जिनको प्राण दान दी, और कृष्ण स्वयं जिनके घर में, स्वयं कृष्ण स्वयं जिनके घर में रहते थे हैं। लेकिन ऊपर से क्या दिखता है, परीक्षित महाराज गृहस्थ, ये सब त्यागी बड़े बड़े साधु है, ऊपर से दिखता है ना ये बड़े बड़े साधु है, लेकिन जब रस दृष्टि से देखोगे कि जो पांडव लोग भगवान के प्रेमात्र भक्त हैं, जैसे गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, स्वयं परम ब्रह्म गुण रूप में जिनके घर में मनुष्य का रूप धारण करते हुए जिनके घर में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर कह रहे ऋषियों का सौभाग्य हुआ है जो कि इतने बड़े परीक्षित महाराज जिनको आधार करते हुए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकट हुई, इनका आज दर्शन हुआ है। ठीक है, बोले श्री परीक्षित महाराज की जय, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। फिर क्या होता है, कल हम इसको पता सुनेंगे, कल की जो प्रथम स्कंध है ना, कल प्रथम स्कंध विश्राम होगा, विश्राम होने पर फिर परसों हम सबसे पहले से लेकर हम सुनेंगे, हम देखेंगे तुम लोग कितना तैयार किए। ठीक है, इसलिए एकदम पहले से अच्छे तरह से तैयार करना, कम से कम जो प्रथम स्कंध है ना, इसलिए कहते जो प्रथम स्कंध है उसको उदाहरण दिया, पादो जदिय प्रथम द्वितीय, ये भगवान का ही चरण है, इसलिए हम कहते ना ठाकुर जी अपना चरण में हमें स्थान दो, चरण कमल अम्मिया उछले, अमृत कहाँ पर उछलती है, भगवान की चरण में, ठाकुर जी की चरण में, ये अमृत अशोक अभय अमृत आधार तुम्हार चरण दो, भगवान के चरण में अशोक अभय और अमृतम, कितना भगवान की शरण लो सब दुख और दूर हो जाएगा, क्यों, ठाकुर जी का चरण में उन्हीं से चिन्ह है, ठाकुर जी के चरण में उन्हीं से चिन्ह, ठाकुर जी के चरण में गदा ध्वज कमल, एक एक का अलग अलग महिमा, कमल को स्मरण कर दो जीवन में खुशबू आएगी है, अगर वहां पर झंडा को स्मरण करोगे तो दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी, चक्र का स्मरण करोगे तो शत्रु विनाश हो जाएगी, गदा का स्मरण करोगे तो जैसे गदा से चकना चुरू कर देते हैं सारे काम को चकना चुरू कर देगा, वहां पर अंकुश का स्मरण कर दो, ये मतवाला हाथी भी जैसे अंकुश से कंट्रोल करते हैं, हमारा मन रूपी जो मतवाला हाथी कंट्रोल हो जाता है, उनके चरण में गेहूं जा है उसका स्मरण कर दो, घर में खूब लक्ष्मी आती, घर में लक्ष्मी आती सब, इसलिए जो पहला स्कंध है, जैसे कहते हैं ना एक बिल्डिंग बनाया, अगर नीम उसका जितना बढ़िया हो ना उसको पर बिल्डिंग उतना बढ़िया स्ट्रक बन सकती, अगर नीम में अगर गड़बड़ी हो ना सब गड़बड़ी है, इसलिए कोई भी क्या करते हैं प्रथम स्कंध को ना ऐसे पन्ना पलटा पलट खत्म कर देते हैं, लेकिन कहते नहीं प्रथम स्कंध में देखो कितने अच्छी अच्छी कथा है, नारद चरित्र मंगलाचरण सूत्र सोनोगाद संवाद छह प्रश्न है, इसलिए परीक्षित महाराज सुंदर संवाद है, यहाँ पर सारे सर करके ज्यादा बढ़िया बढ़िया भी कथा ये प्रथम स्कंध में, इसलिए प्रथम स्कंध को अच्छे तरह से तैयार करना। ठीक है, निताई गौर हरिहर को कौन बोलेगा परसों दिन का जो कथा है।